हेटरोजीनियस देखते हैं, हेटरोजीनियस क्या है? तो हेटरोजीनियस जिसमें टू फेज होते हैं, मैंने बता रखा है टू फेज होते हैं। सर टू फेज क्या होता है? टू फेज का मतलब जैसे मान लीजिए आपने वाटर में सैंड मिक्स किया, ठीक है, सैंड मिक्स किया तो प्रॉपरली वो मिक्स नहीं होगा, वाटर क्या होगा बाद में नीचे बैठ जाएगा, तो वाटर वाटर पूरा दिखेगा और सैंड सैंड पूरा दिखेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको, तो वो किसमें होता है सर? वो होता है हेटरोजीनियस में, ठीक है। इसमें टू फेज होते हैं, आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये तो वाटर है और ये तो सैंड है, ओके। इसके टू टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स कौन सा है? पहला है कोलॉइड्स, दूसरा है सस्पेंशन। तो कोलॉइड मिक्सचर में क्या होता है, इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसको आप चाहे इसे सैंड और वाटर की तरह इसको आप अलग नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है अलग करना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल सर मिल्क, मिल्क को देखिए आप फिल्ट्रेशन भी करेंगे, आप उसको चाहे बॉइल कर दें तो क्या अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके बाद फॉर्म्स, उसके बाद ब्लड, प्लांट्स, सॉरी पेंट्स, फॉग और स्मोक, ये सारी चीजें हैं जो कोलॉइड मिक्सचर में आती है। पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए ब्लड क्या है, कोलॉइड है कि सस्पेंशन है, तो आपको बताना है ब्लड जो है कोलॉइड है, ठीक है। अगर ये जो भी मिक्सचर है, जो भी मिक्सचर अगर आप इसमें लाइट जैसे टॉर्च चला के उसको आप देखेंगे तो उससे लाइट पास होगी, ठीक है। पास होगी का मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे उस मिक्सचर में, कौन से मिक्सचर में? कोलॉइड मिक्सचर में, वो पार्टिकल जो है चमकेंगे वॉल पे, बताऊंगा अभी मैं आगे, ओके। और जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में देखिए, सस्पेंशन के एग्जांपल से फ्लोर, चॉक और सैंड, कोई भी एक ले लीजिए इसमें, उसमें और उसको वाटर से मिक्स कर दीजिए। फ्लोर को वाटर से कर सकते हो, चॉक को वाटर से कर सकते हो और सैंड को वाटर से कर सकते हो, और उसके बाद क्या सोल्यूशन निकलेगा हमारा, जो भी मिक्सचर होगा वो सस्पेंशन मिक्सचर होगा, ओके। और ये देखिए पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, तो इसमें लार्जर पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स आर लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, किसके हेल्प से? फिल्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन यू कैन सेपरेट व्हाट, जो भी पार्टिकल्स आपने मिक्स किया, जो भी आपने मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो। स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो ये भी लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ओके। तो जो भी आप मिक्सचर होगा वो अगर लाइट चलाओगे तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होगा जो मिक्स नहीं हुआ होगा प्रॉपरली वो आपका वॉल पे दिखेगा, ठीक है, और वहां से लाइट जो है पास होगी। सॉल्यूशन में पास नहीं होता है, ठीक है, ये जो लाइट है ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते और साथ ही साथ लाइट भी इसको पकड़ नहीं पाती है, तो वहां से ये पास नहीं हो सकता, उसमें कोई पार्टिकल्स ही नहीं दिखते हमें, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, पार्टिकल्स नहीं दिखते तो भाई जाहिर सी बात है इसको हम अलग कैसे करेंगे, ठीक है। और बाय फिल्ट्रेशन मेथड, सब में फिल्ट्रेशन लग रहा है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, और कौन सा सेपरेट नहीं हो सकता था? दिस वन एज वेल, इसको भी आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें यह चीज था कि आप क्या कर सकते हैं कि टॉर्च मार के देख सकते हैं कि ये इसमें लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये लाइट स्कैटर करता है, स्कैटर का मतलब क्या हुआ सर? बहुत देर से स्कैटर स्कैटर कर रहे हो, तो फैलाना या फैलना कह सकते हो, ठीक है। लाइट जो है इस मिक्सचर पे पड़ते ही फैल जाती है, वहां से फैल जाती है, ठीक है। पर सॉल्यूशन में लाइट डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप सस्पेंशन में डालोगे और कोलॉइड में डालोगे तो क्या होगा, लाइट क्या होगी यहां से जाएगी और यहां पर दिखेगा आपका कि मतलब कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें मिक्स हैं, पार्टिकल्स चमकेंगे आपके उसमें, इसमें नहीं चमकेगा सर। इसके बाद ये है सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर, ये क्या है सर? ये इसका एग्जांपल हो गया, जब आप वाटर में सॉल्ट मिक्स करोगे तो क्या वो दिखेगा? क्या नमक जो है सॉल्ट जो दिखेगा? नहीं दिखेगा। शुगर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आप इसमें कैसे बता सकते हैं कि लाइट स्कैटर करेगी? जो चीज नहीं दिखेगी उसको तो स्कैटर कर ही नहीं सकते, है ना। इसके बाद लाइट डज नॉट स्कैटर, सेम चीज लिखी है, कंप्लीट हो गया ये, ओके। एक बार और बता देता हूँ, हेटरोजीनियस के टू टाइप्स होते हैं, कोलॉइड सस्पेंशन, ओके, और सॉल्यूशन, इन दोनों में लाइट स्कैटर करती है और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इस और इसमें सेपरेट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं क्योंकि इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, लाइट जो है स्कैटर करता है इसमें, मतलब लाइट पड़ती हुई फैल जाती है पीछे, ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही होता है पर सॉल्यूशन में नहीं होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। आगे देखते हैं।